नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बेहतरीन शेयर के बारे में जो कि ब्रेकआउट देने जा रहा है। साथ ही साथ फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। ब्रेकआउट होता था आप यहां पर इसमें बाइंग कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, या आप वेट कर सकते हैं। अगर मार्केट में गिरावट आती है तो हो सकता है यहां से ब्रेकआउट ये शेयर ना दे, लेकिन फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग शेयर है और लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा वेल्थ क्रिएट करके दिया है अपने इन्वेस्टर को। तो चलिए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस स्टॉक के बारे में, इसके फंडामेंटल्स, इसके लेवल्स, टारगेट, सारी चीजों को हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों ये शेयर है हमारा सेरा सेनेक्टिवेयर लिमिटेड और इसका मार्केट कैप देखिएगा 5,000 करोड़ का है। मतलब ये एक स्मॉल कैप कंपनी है लेकिन शेयर का प्राइस काफी महंगा है। देख सकते हैं 3,937 रुपीज और इसका जो 52 वीक हाई कही है, ऑल टाइम हाई कही है, दोनों है 4,027 रुपीज। इस कंपनी के बिजनेस के बारे में भी जानेंगे। मुख्य रूप से कंपनी टाइल्स बनाने के काम करती है। कौन कौन से टाइल्स बनाती है, किस तरह के बनाती है, कंपनी 1998 में देख सकते हैं इनकॉर्पोरेट इन जुलाई 1998, तो कुछ खास ज्यादा पुराना कंपनी भी नहीं है, एक मीडियम रेंज कंपनी है। 1998 में ये कंपनी फॉर्म हुई है और शेयर का प्राइस वहीं से देखिएगा तो काफी अच्छा परफॉर्म किया है शेयर का प्राइस ने, मतलब इन्वेस्टर को काफी अच्छा वेल्थ क्रिएट करके दिया है। फेस वैल्यू शेयर का 5 रुपीज है, रिटर्न ऑन इक्विटी 15% है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट 19% है। और वहीं प्रमोटर्स का होल्डिंग की बात करें 54.5% है प्रमोटर्स का होल्डिंग इस कंपनी में, और जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो 96 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट है और कंपनी के ऊपर डेट जो है 25 करोड़ का है और कंपनी का जो टोटल रिजर्व है वो 795 करोड़ का कुल रिजर्व है कंपनी का, और कंपनी जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है 392 करोड़ का। तो ओवरऑल कंपनी का फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छा है। अगर आप इसके बात करें तो कंपनी के प्रॉफिट लॉस का, तो कंपनी का सेल्स देख लीजिए 2009 में मात्र 160 करोड़ का था जो सेल्स बढ़कर के 2020 में हो गया 1209 करोड़ का। वहीं प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट देख लीजिए पहले 2009 में मात्र 13 करोड़ था, वहां से लगातार बढ़ा है कंपनी का प्रॉफिट और यहां पर 116 करोड़ हो चुका है। तभी थोड़ा सा पैंडमिक के कारण जो पैंडमिक आया है इसके कारण जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है उसमें थोड़ी सी मतलब गिरावट देखने मिली है, तो उसके कारण यहाँ पर कंपनी का थोड़ा सा प्रॉफिट फ्लैट रहा है और प्रॉफिट में अभी ग्रोथ आपको देखने नहीं मिलेगा जब तक कि पूरी तरह से जो हमारे चारों तरफ का सिचुएशन है वो पूरी तरह से ठीक ना हो जाए। ये था कंपनी का प्रॉफिट और लॉस। तो कंपनी रेगुलर रूप से अपना सेल्स को ग्रो कर रही है, प्रॉफिट भी ग्रोथ हो रहा है कंपनी का। और वहीं कंपनी के बैलेंस शीट की बात करें, कंपनी का रिजर्व लगातार इंक्रीज हुआ है। यहाँ पर देखिए 68 करोड़ का था 2009 में, जो करके लगातार देख सकते हैं कॉन्स्टेंट रूप से बढ़ते गया है और कंपनी का टोटल रिजर्व अभी 2020 में 766 करोड़ का हो चुका है, तो काफ़ी बेहतरीन है। कंपनी का परफॉर्मेंस भी काफ़ी बेहतरीन है। और वहीं कंपनी के इन्वेस्टर जो है उसमें प्रमोटर्स आपने देख लिया कॉन्स्टेंट होल्डिंग रखता है 54% का, कंपनी में जो पब्लिक का होल्डिंग है वो है 19% का, मतलब 20% 19% इसके बीच में है। तो कंपनी में जो पब्लिक का होल्डिंग है वो खास ज़्यादा नहीं है, लेकिन प्रमोटर्स का होल्डिंग 50% से अधिक हो तो ज़्यादा अच्छा है। जितना अधिक प्रमोटर्स का होल्डिंग हो उतना हम उस कंपनी में बिलीव करते हैं कि आगे प्रमोटर्स उसके लिए कंपनी के ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, काफ़ी अच्छा कंपनी के बेनिफिट के लिए काम करेगा। और कंपनी का मैनेजमेंट सुदृढ़ होना चाहिए, तो कंपनी के मैनेजमेंट को हमेशा एनालाइज करते रहिए कंपनी का मैनेजमेंट क्या कर रहा है। या तो आप टेक्निकल चार्ट को फॉलो कर सकते हैं, अगर टेक्निकल चार्ट पे आपको मैंने हमेशा बताया है 20 डे मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज, 100 और 200 को लगाना है। कभी भी इन सारे चार्ट पर आपको वीक दिखता है तो आप एग्जिट हो जाइए और जब बुलिश दिखता है तो एंटर कर जाइए। तो वही आपको हम चार्ट पर अभी दिखाएंगे कि स्टॉक काफ़ी बुलिश है, अभी ब्रेकआउट देने वाला है, मतलब अपने ऑल टाइम हाई से ऊपर निकलने वाला है। तो वहाँ से जब ऊपर निकलेगा तो कंपनी के शेयर प्राइस में एक बहुत ही तेज मोमेंटम आपको देखने मिल सकता है। वही कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी मुख्य रूप से टाइल्स बनाती है और यहाँ पर आएंगे तो आप जो अब बाय एप्लीकेशन दो तरह के टाइल्स बनाती है, एक फ्लोर टाइल्स और दूसरा वॉल टाइल्स। एक जो हम फ्लोर पे लगाते हैं टाइल्स, दूसरा जो वॉल पे लगाते हैं उसमें टाइल्स, और ये बाय कैटेगरी बहुत सारे तरह के टाइल्स होते हैं। इन मतलब दो फ्लोर टाइल्स और वॉल टाइल्स को ही बाय कैटेगरी अलग अलग रूप में डिवाइड किया गया है, फिर बाय नेम डिवाइड किया गया है, बाय फिनिश डिवाइड किया गया और बाय कंसेप्ट 3D टाइल्स हो गया, बुक मैच टाइल्स हो गया, सिंगल टाइल्स, बुक मैच। तो अलग अलग तरह के टाइल्स हैं, अलग अलग मतलब नेम से डिवाइड किया गया है, फिर एप्लीकेशन रूप से डिवाइड किया गया है कि हम एक फ्लोर पे लगाते हैं एक वॉल पे लगाते हैं। तो कंपनी के बिजनेस के बारे में यहाँ आप डिटेल से पढ़ सकते हैं, कंपनी के बारे में पढ़ सकते हैं,
कंपनी का आने वाला मतलब आने वाले समय में क्या गोल है कंपनी का, किस तरह से बिजनेस का ग्रोथ कंपनी प्लान कर रही है, तो सारी चीजें आप यहाँ पर कंपनी की वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं कि कंपनी का मैनेजमेंट आगे क्या करने सोच रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आ चुके हम टेक्निकल चार्ट पर, यहाँ पर हम बात करेंगे कंपनी के टेक्निकल चार्ट पर ब्रेकआउट। यहाँ पर देखते हैं हमने दो लाइन ड्रॉ किया है, अगर इस लाइन के ऊपर कंपनी ट्रेड करना शुरू कर देता है, ये जो है 4025 रुपीज़ का, इसके ऊपर कंपनी का शेयर प्राइस ट्रेड करना शुरू करता है, समझिए कंपनी ब्रेकआउट देने वाला और यहाँ से जबरदस्त मोमेंटम आपको ऊपर दिख सकता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कंपनी का जो ऑल टाइम हाई थे उसके ऊपर कंपनी का शेयर प्राइस अभी ट्रेड कर रहा है, लेकिन ये जो यहाँ से रिजेक्शन हुआ है 4025 रुपीज़ से, अगर इसके ऊपर निकलता है तो आपको यहाँ पर जबरदस्त मोमेंटम देखने मिलेगा। अभी जो हमारा है मार्केट में थोड़ा करेक्शन देखने मिल रहा है, इसके कारण ये ब्रेकआउट आपको नहीं हो पा रहा है। जो निफ्टी है हमारा लगातार करेक्शन दिखा रहा है, तो हमारे निफ्टी में सेंसेक्स में लगातार करेक्शन के कारण ये हो सकता है ये ब्रेकआउट यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से फिर से बुल रैली पकड़ती है, अगर बुल रैली आता है मार्केट में, तो फिर यहाँ से आपको जबरदस्त तेजी देखने मिलेगा, तो लगातार इस पर नजर बनाए रखिए। अगर यहाँ से ऊपर निकलता है तो आप यहाँ पर इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसमें बाय कर सकते हैं, पोजीशन बना सकते हैं, और स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे रखना है। ये जो बना है कैंडल, इसके जस्ट नीचे स्टॉप लॉस रखना है, ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं रखना है, क्वांटिटी थोड़ा कम रखना है जैसे आपके फेवर में जाता है, और क्वांटिटी को बढ़ाते चलिए, जैसे जैसे ऊपर जाते जाएगा वैसे वैसे क्वांटिटी को इंक्रीज करते जाइए। दोस्तों तो बात करें अगर हम टेक्निकल चार्ट पर, तो ये स्टॉक जो है टेक्निकल चार्ट पे काफ़ी मतलब अप साइकिल और डाउन साइकिल में चलने वाला है। यहाँ पर देखते हैं कंपनी का शेयर प्राइस जबरदस्त मूवमेंटम देखने मिला था, क्योंकि वीकली चार्ट पर जब अपना लो को ब्रेक कर दे तो उस स्टॉक को हम टेक्निकल चार्ट पर स्ट्रॉन्ग नहीं बोलते हैं। तो ये देखते हैं ये अपना लो बनाया था, ये लो बनाया, फिर दूसरा ये लो बनाया था, और ये अपने ये लो को जो ये लो बनाया था उस लो को ब्रेक कर दिया। यहाँ पर देख सकते हैं और ये फरवरी 19 में ही ब्रेक कर चुका था, तो जब फरवरी 19 में ही ब्रेक कर चुका तो ये पैंडेमिक की बात नहीं करी, पैंडेमिक तो हर स्टॉक में गिरावट आया था, इस स्टॉक में भी जबरदस्त गिरावट देखने मिला पैंडेमिक में। तो ये स्टॉक टेक्निकल चार्ट पर उतना सॉलिड नहीं है, लेकिन दोस्तों लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, क्योंकि ये स्टॉक यहाँ पर देखते हैं अगर गिरता है तो उससे काफ़ी ज़्यादा ऊपर भी जाता है। यहाँ पर आप देखते हैं यहाँ पे भी ये अपना जो पीछे का लो है उसको ब्रेक करके ये स्टॉक नीचे आया था, लेकिन यहाँ से मोमेंटम पकड़ा तो देखते हैं 1600 से डायरेक्ट 4000 चला गया, तो यहाँ से 3000 रुपये से लगभग यहाँ से गिरावट हुआ, लगभग मतलब 50% 40% यहाँ पर करेक्ट हुआ, तो वहाँ से फिर से ये लगभग 150% का रैली दिखाया। तो अगर ये 50% करेक्ट होता है तो वहाँ से फिर से 150% का रैली देता है, हमेशा ये इस स्टॉक का रहा है। और यहाँ से देखते हैं यहाँ से फिर से ये करेक्ट हुआ और यहाँ से ये आ गया, फिर से यहाँ पर 50% का करेक्शन हुआ। अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ से 100% का रैली कर चुका है, अगर क्या फिर से ये 150% के रैली को पूरा करता है या नहीं, तो इस तरह का ये स्टॉक रहा है, 50% करेक्ट होता है तो 150% तक का रैली करता है, तो कुछ इसी तरह का ये स्टॉक का टेक्निकल चार्ट है। तो ये भी स्टॉक एक अप साइकिल और एक डाउन साइकिल में चलने वाला स्टॉक है, तो आप इस पर नज़र बनाए रखिए। अगर यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो पोजिशन बनाइए विथ स्टॉप लॉस के साथ बनाइएगा, या फिर करेक्शन का वेट कीजिए, जब स्टॉक काफ़ी सस्ते प्राइस पर मिलने लगे तो फिर आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हमेशा इन्वेस्ट उसी समय करना जब स्टॉक का प्राइस काफ़ी सस्ता मिल रहा हो, उस समय इन्वेस्ट करते हैं, और जब स्टॉक का प्राइस काफ़ी महंगे हो जाते हैं तो उस समय बेच देते हैं। तो इन्वेस्टर का मूल रूल यही है, अगर आप टेक्निकल चार्ट को फॉलो करते हैं तो यहाँ पर ब्रेकआउट देता है तो फिर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ। उम्मीद करते हैं वीडियो हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चाहे आप पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपने स्टॉक मार्केट में अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आप जीरोधा के साथ ओपन कर सकते हैं, एंजल ब्रोकिंग के साथ कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो एंजल ब्रोकिंग सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, काफी अच्छा मार्जिन देता है, आप हमारे लिंक से एंजल ब्रोकिंग अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। साथ ही साथ जीरोधा में चाहे तो आप उसमें कर सकते हैं, जीरोधा और एंजल दोनों में आपको 20 रुपया पर ट्रेड चार्ज लगता है, और इन डिलीवरी में आपको कोई भी चार्ज नहीं लगता, कोई भी स्टॉक डिलीवरी में लेते हैं आपको कोई भी ब्रोकरेज पे नहीं करना पड़ता है, और इंट्राडे में सिर्फ 20 रुपीज पर ट्रेड आपको चार्ज लगेगा।